नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। लगातार के ठंडी आ शीत लहर से जनजीवन प्रभावित, सप्तरी में कठुआ का एक गोटे की मृत्यु। मध्य प्रदेश प्रमुख से सरकार गठनक लेल आह्वान, दू आ दू से बेसी दलक सहमति में बहुमत पुगा कर दावी प्रस्तुत कर कहल गेल। मधेश में जसपा आ लोसपा के संसद दलक नेता चयन में विलंब, सहमति जुटेबाक प्रयास जारी। नेहा चौधरी के श्रीमान डॉक्टर पंकज चौधरी के पूर्व पक्ष के लेल थाना में भेजा, महोत्तरी अदालत के आदेश। आ गृह मंत्री लामी छानी विरुद्ध अंतरिम आदेश देव से सर्वोच्च अदालत द्वारा अस्वीकार। अब समाचार विस्तार में। तराई मधेश में एक सप्ताह से शीतलहर कायम रहल अछि। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार 17 पुष से तराई में शीतलहर चल रहल अछि। महाशाखा शीतलहर के अवस्था किस दिन और कायम रहबाक समेत जनौलक अछि। ठंडी के कारण मधेश प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम सहित तराई मधेश के जिला के जनजीवन प्रभावित बनल छै। जाड़ के कारण किछ विद्यालय में विदा समेत देल गेल अछि, तेना बाजार में चहल पहल घटल छै। ठंडी के कारण वायरल संक्रमण, बुखार, निमोनिया, सर्दी खोकी के बीमार सेहो बढ़ लागल छै। तराई के जिला में दिन भर रौदा नहीं लगे छै। ठंडी देशे भर बढ़ल छै, मुदा एकर अधिक असर तराई के जिला सब में देखल गेल छै। एहि बीच ठंडी से ठिठिर के सप्तरी में एक गोटे के जान गेल छै। मृत्यु भेनिहार में तिलाठी कोइलाड़ी वार्ड नंबर 4 मुसहरी टोल के देवू सदा रहल तिलाठी कोइलाड़ी गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष मुनिलाल मुखिया जानकारी दिलन अछि। मधेश प्रदेशक प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र सरकार गठनक लेल आह्वान कलन अछि। प्रदेश प्रमुख मिश्र पूस 28 गते बृहस्पति दिन 4 बजे भीतर दू आ दू से बेसी दलक समर्थन में मुख्यमंत्री पद में दावी पेश कर प्रदेश सभा सदस्य के आह्वान कलन अछि। संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व करय वाला दू अथवा दू से बेसी दल सभक समर्थन में बहुमत प्राप्त कर सक्षम प्रदेश सभा के सदस्य के प्रदेश मधेश प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त कर आह्वान कल गेल। संविधान के धारा 168 के उपधारा 1 बमोजिम कोनो दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त कैने नहीं देखल गेला से उपधारा 2 बमोजिम आह्वान कल गेल। प्रदेश प्रमुख कार्यालय के सचिव राजेंद्र पराजुली बतौलन। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को निर्वाचन परिणाम सहित को प्रतिवेदन प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 62 बमोजिम मिति 79/2 पेश होना आएकोमा प्राप्त निर्वाचन परिणामबाट मुख्यमंत्री नियुक्ति गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति 79/28 गते बिहीबार बेलुकी 4 बजे भित्र दावी पेश गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट आह्वान भएको छ। मधेश प्रदेश में 107 सांसद रहल पर एमाले के 23, कांग्रेस के 22, जसपा के 16, जनमत पार्टी के 13, लोसपा के 9, माओवादी केन्द्र के 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 7, नागरिक उन्मुक्ति के राप्रपा के आ नेपाल संघीय समाजवादी के 1-1 सांसद रहल अछि। बहुमत के लेल 54 संख्या आवश्यक अछि। मधेश में सरकार बनाव कमती में 3 वा 3 से बेसी दलक गठबंधन बनला पर मात्र सरकार बनि सकैए। जसपा नेपाल के मधेश प्रदेश में दलक नेता छाना कठिन भ रहल छै। पछिला बेर निरंतर 2 दिन से बैठक जारी रहल पर जसपा के दल के नेता चयन कर नहीं सक रहा है। केंद्रीय नेतृत्व सहमति में नेता छानिक सकारात्मक संदेश दिल जेबा आड़ान में रहल छै। तहिना एम्हर प्रदेश के सांसद सब बीच दलक नेता निष्कर्ष लगेबाक प्रयास अखनो जारी छै, मुदा सफल होब नहीं सकल छै। बृहस्पति दिन भिनसरे से बैसल बैठक शुक्र दिन सेहो जारी अछि। एक युवा नेता के अनुसार शुक्र दिन सेहो पार्टी दल के नेता पैबाक संभावना कम रहल छै। यद्यपि हुनक अनुसार एक दावेदार घटल छै। निवर्तमान सभामुख आ दल के नेता में प्रबल दावेदार के रूप में चर्चा में रहल सरोज यादव सांसद राम आशीष यादव के ठाव में सहमति भेला पर अपना छोड़ा तैयार रहल बताब रहल स्रोत जनौलक अछि। यद्यपि मुख्यमंत्री लाल बाबू राव सेहो दावी प्रस्तुत कयने अछि।
पहिल अनुभव ओहूमे विभिन्न किसिम के प्रतिकूलता के बीच में सेहो 5 वर्ष प्रदेश सरकार चलाब सफल भेला से अपना स्वतः दलक नेता बनल जेबाक राउत के तर्क रहल छै। सरोज यादव के संकेत से सांसद रामाशीष यादव के पक्ष के सेहो बल मिलल छै। रामाशीष यादव अपना दल के नेता भेला पर आओर दल के सेहो खुशी हेबाक आ पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाब सहज हेबाक तर्क क रहल एक नेता जनौलक अछि। एम्हर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मधेश पर से संसदीय दलक नेता चयन के लिए शुक्र दिन बजौने बैसार सम्पन्न भेल अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम में बैसल बैसार से संसदीय दलक दलक विधान संशोधन सहित पारित करैत केंद्रीय कार्य समिति में अनुमोदन के लिए भेजबाक निर्णय कयल गेल अछि। संसदीय दलक नेता सर्वसम्मत चयन करबाक सहमति नहि भेला पर निर्वाचन प्रक्रिया में जेबाक लोसपा के तैयारी रहल अछि। लोसपा के प्रदेश सभा में 9 गोटे सांसद अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी के मधेश प्रदेश समिति के विस्तारित बैसार बैसल अछि। परसा के बीरगंज में शुरू भेल बैसार में देशक समसामयिक राजनीतिक अवस्था संगठन विस्तार लगात के विषय में परामर्श भेल अछि। विस्तारित बैसार के उद्घाटन आम जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभु शाह कयने छलथि। अध्यक्ष शाह कोनो नेता अपना में बड़का छोट नहीं हेबा कहत जनता बड़का छोट बनौला से जनता के काज में ध्यान देवा आग्रह कलन अच्छे। वो आम जनता पार्टी छोट पार्टी देखल गेलो पर जनता के हित में काज करत गेला पर देशे के बड़का दल बना सकबाक सेहो बतौलन। नेकपा एमाले परित्याग कऽ स्वतंत्र में रोथर से चुनाव जीतने सांसद शाह किछु दिन पहिने मात्र नया पार्टी गठन कयने छलथि। कमला पुल पुनर्निर्माण आ हुलाकी सड़क निर्माण में भेल विलम्ब प्रति नागरिक अगुआ सब चिंता व्यक्त कयलक अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन हुलाकी सड़क संघर्ष समिति कयने कमला पुलक पुनर्निर्माण आ हुलाकी सड़क के अवस्था विषय के अंतर्क्रिया में सहभागी सब पिछला साल टूटल निर्माणाधीन हुलाकी पुल के पुनर्निर्माण में विलम्ब भ रहल आ देशक पुरान हुलाकी सड़क निर्माण में समेत सरकार ध्यान नहीं देने कहत चिंता व्यक्त कलक अछि। सरकारक गलत नियत के कारण मधेशक जनता विकास से दूर होब पड़ल ओ सब बतौलक अछि। राज्य संचालन करयवला सभक सोच निक नहीं भेला से सेहो सड़क निर्माण में विलम्ब भ रहल हुनक सभक कथन अछि। कर्काई तथा बेरिङ नदीको पुलको अभावमा एकातिर विराटनगरलाई भद्रुसँग जोड्न सकिएको छैन भने 12 वर्षदेखि लागेको कमला पुलको ठेक्का अहिलेसम्म अल्पत्र अवस्थामा छ। जसलाई मिथिलाञ्चलको आत्मा जनकपुर धामको प्रत्यक्ष मिलन राजगिरासँग हुन सकेको छैन। सिराहाको र जनकपुरको दूरी 25 किलोमिटर छ। आज तिनै सिराहाली जनकपुर आउन 86 किलोमिटर दूरी धाउनु परिरहेको छ। अखनि तक जे भी कोनो कार्यालय आबै छै चाहे कोनो विकास के योजना आबै छै तो ओहो राजमार्गे साइड में दै के कोशिश में रहै छै। कुछे रोड बनलै तऽ अखनि मधेश के लगै छै रूपांतरण पुनर्जन्म भ रहल छै। जे जकरा ई सब के बर्दाश्त नहीं भ रहल छै किया मधेश विकास कर रहल छै। मुआवजा नहीं वितरण करै छै एहि हुलाकी सड़क के ऑफिसर छथि इंजीनियर अब मुआवजा नहीं दे छी ने काम के अवस्था यानी काम के शुरुआत करे छी ने काम के करते जे ठेका दे छी वे ने जे काठमांडू में छी गुलाकी सारा के कुछ वही जाय त हां हां आप होती आ होती सीरो साहब के छी मुआवजा निर्धारण के छी ने मुआवजा दे छी अने ये जे आगे जे बाकी काम के जे ठेका पटा हो छी मैं जो हमरा के नेपाल राष्ट्र के समृद्ध रहते को मधेश के लाइफलाइन कहे के इनके भविष्य निर्माण हेते ई काम किया पछाड़ी भर ले इनके जनता हमरा में सचेत हुआ पड़े जागरूक हुआ पड़े आंदोलित हुआ पड़े अपन अधिकार अपने नहीं प्राप्त है हमरा आगे जन जन के इसीलिए ते लग हम विशेष और बात। कार्यक्रम में मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाड़ी विकासक विषय सब सीधा मानव संग जुड़ल विषय भेल कहैत विकासक अधिकार से जनता के वंचित कर नहीं हेबाक बतौलन। हुलाकी मार्ग एक प्रायोरिटी किन बनेन आजसम्म 47-47 सालदेखि हामी सुन्दैछौँ बजेट विनियोजन गरेको आदि इत्यादि भन्ने कुरा यो तराईको लाइफलाइन हो मधेसको लाइफलाइन हो। यसले धेरै कुरा जस्तो सरले भनिसक्नुभयो करिब करिब 80-85 किलोमिटर यात्रा तय गर्नुपर्छ अहिले यहाँ आउनको लागि सिराबाट यो 25-30 किलोमिटरमा हुन्छ भनेपछि यो किन प्रायोरिटी बनेन भन्दाखेरि समस्या हाम्रो सोचमा छ राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको सोचमा छ। त्यसैले हुलाकी मार्ग
प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ। यो मात्रै पूर्णता हुँदैन, तर हुलाकी मार्गका साथ साथै हुलाकी आवास परियोजना पनि त्यही अनुसार। हुलाकी सड़कक निर्माण में विलम्ब भेला से सर्वसाधारण के बहुत समस्या भोग पड़ल कहित ओ सब सिरहा से जनकपुर धाम के दूरी 25 किलोमीटर मात्र भेलो पर घूम कर महेंद्र राजमार्ग होत आव पड़ला पर 60 किलोमीटर के यात्रा कैल जेबाक बाध्यता रहल बतौलक कि स्थान में हुलाकी सड़क बनलो पर पुलक निर्माण नहीं भेनाई जमीनक मुआवजा के विवाद के कारण से समस्या भऽ रहल ओ सब बतौलक। एम्हर कमला पुल पुनर्निर्माण में भेल विलम्ब के विषय में निर्माण पक्ष इंजीनियर कौशल यादव टूटल पुल के पिलर के रीडिजाइन के प्रक्रिया चल रहल कहित और पिलर सब के कोना मजबूत करबाक लगात विषय में काज भऽ रहल बतौलन। जे पिलर सब क्षतिग्रस्त भेल छै ओहि पिलर सबके रीडिजाइन के प्रक्रिया जे छै से रीडिजाइन के पुल महाशाखा में फाइल की गेल छै, लेकिन जे तऽ भटकि गेल छै ओहिके लेल रीडिजाइन हेतै, पुनर्स्थापनाके लेल रीडिजाइन हेतै, लेकिन ओहिठाम आशंका कयल गेल छै जे बाँकी पिलरके लेल जे क्षतिग्रस्त भेलै ओकर पुनर्निर्माण तऽ हेबे करतै, लेकिन बाँकी पुलके बाँकी पिलरके स्ट्रेंथिंगकरण कयल जेतै ओ विषयमे छलफल भऽ रहल छै। अविरल बाढ़ि आयल एहिके क्षतिग्रस्त भेल, कोन कारणसँ क्षतिग्रस्त भेलै कहिके ई अनुसन्धानके प्रक्रियामे छै। अखन एहिके बारेमे जाबत तक अनुसन्धान नहि सकत ताबत तक हमसब किछु नहि बाजि सकै छी। अनुसन्धान हैत, ओकर रिपोर्ट आयत, रिपोर्ट जे आयत तबे थाह हेतै कोन कारण छै। इंजीनियर यादव कमला पुल क्षतिग्रस्त भेना के कारण के विषय में अनुसंधान भऽ रहल से बतौलन। हुलाकी सड़क में निर्माण कयल गेल सिराहा धनुषा जोड़ वाला कमला पुल बीतल वर्ष आयल बाढ़ में टूटल छल। निर्माणक अंतिम समय में पुल टूटला बाद सर्वसाधारण आक्रोशित बनित आयल छै। ई पुल के ठीका 2068 साल जेठ 31 गते शर्मा पप्पू कंस्ट्रक्शन लेने छल। जनकपुर धाम स्थित कल्याण बचत अथा ऋण सहकारी संस्था के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार माथेमा अपना ऊपर अन्याय भेल कहित न्याय के लेल अपील कयलन। संस्था के कोषाध्यक्ष तथा निक्षेप संकलनकर्ता सेहो रहल माथेमा अपना ऊपर संस्था के अध्यक्ष रफीक मियाँ अन्याय केने आरोप लगौलन। अध्यक्ष मियाँ अपना के पारिश्रमिक नहीं देने, अपना जमा केने रकम आ निक्षेपकर्ता के भुगतानी नहीं देने माथेमा के आरोप है। माथेमा अपना 70 लाख रुपया निक्षेपकर्ता से संकलन क संस्था के बुझौने दावी कयलन, मुदा संस्था के अध्यक्ष मियाँ निक्षेपकर्ता के रकम फिरता नहीं दक अपना ऊपर दायित्व लादने माथेमा के आरोप है। वो कलेक्शन चार्ज बाबत 1,40,000 अपना जमा कयने रकम के नाफा में 40% अर्थात 28 लाख आ जमा कयने 70 लाख क 99,40,000 असूल ऊपर कैल जवाक दावी कयलन। 60% मेरो हुन्छ, 40% तपाईँलाई दिन्छु, विनोदजीलाई दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसपछि कलेक्सन गरेको बापतमा तपाईँलाई म 2% दिन्छु भनेर उहाँले काम गराउनु भएको, तर आजसम्म मैले कलेक्सन गरेको पनि पैसा पाएको छैन र मैले चाहिँ आजसम्म आफ्नो 40-60 जुन कुरा गरेछ त्यो पनि मलाई दिएको छैन। आजसम्म मैले आफ्नो पैसा मागिराखेको थिएँ, त्यो पनि पैसा मलाई आजभोलि गरेर दिएन र निक्षेपकर्तालाई पनि भन्ने कि मैले पैसा तिम्रो पैसा त लिएर गइसकेको छ विनोदले, तिम्रो पैसा यहाँ छैन, जाऊ त्यो विनोदसँग तिमी पैसा माग, उसलाई पिट जे गर तिमीले, तिम्रो पैसा लिएर गइसकेको छ भनेर भनेको हुनाले मान्छेहरू आएर मेरो घरमा आएर हल्ला गर्यो, बेइज्जत गर्यो, अनि त्यसपछि मैले पनि आफ्नो जमिनहरू बेचेर पनि मैले दिएँ। माथेमा आफ्ना रकम मांगला पर अध्यक्ष मियाँ धाक धम्की दैत उल्टे मुद्दा दायर केने सेहो बतौलन। निक्षेपकर्ता के संस्था रकम फिर्ता नहि केला बाद अपन इज्जत बचाव कर्जा लऽ कऽ जमीन बेच कऽ किछु ग्राहक के भुगतानी देने हुनक कहब अछि। निक्षेपकर्ता के रकम बुझाव अपना मियाँ सँ 4 लाख रुपया कर्जा लेला पर 15 लाख के तमसुक मे सही छाप करल उन्हें सेहो बतौलन। त्यसपछि पनि मैले चाहिँ निक्षेपकर्तालाई दिन लागि मैले मोहम्मद रफिक मियाँसँग पैसा अध्यक्ष मोहम्मद रफिक मियाँसँग पैसा मागेको थिएँ कि पैसा दिनुहोस् भनेर बचतवालालाई दिनु छ, उहाँले भन्नुभएको थियो ठिकै छ म दिन्छु, एउटा फर्मालिटीको लागि तपाईँले कागज बनाइदिनु, मैले 5 लाख रुपियाँ मागेकोमा 4 लाख रुपियाँ दिएको छ र 15 लाखको कागज बनाएर म माथि मुद्दा ठोकिदिएछु। कर्तालाई पैसा दिए, जब निक्षेपकर्ताको पैसा संस्थाको लेजरमा छ भने संस्थाले दिने हो नि, कलेक्सनकर्ताले दिने होइन नि। जब कलेक्सनकर्ताले नि दिनुपर्छ भनेर उसले उनीहरूले जबरजस्ती मसँग कागज बनाएर मसँग मुद्दा गरिदिएछ, त्यस कारणले म न्यायको लागि म
एना का कर्जा रकम तमसुक अनुसार नहीं बुझौने कहित मियाँ उल्टे अपना ऊपर मुद्दा दायर कने ओ बतौलन माथेमा न्याय दिला देव मांग करते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अंतर्गत के न्यायिक समिति में सेहो निवेदन देने है। तहिना ओ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगात आर निकाय समय सेहो निवेदन द चुकल है। एम्हर माथेमा लगौने आरोप के संस्था के अध्यक्ष मियाँ खंडन कलन है। ओ माथेमा अपना के ठकने दावी कलन है। मियाँ अनौपचारिक रूप में आरोप के खंडन कलो पर बेर बेर आग्रह कलो पर औपचारिक प्रतिक्रिया देव नहीं मानलन अपना किस महीना से बीमार रहला से अखन किछ ने बाजबाक ओ बतौलन। अय विषय में अध्यक्ष रफीक मियाँ के बेटी सेहो रहल संस्था के सदस्य शकीला खातून माथेमा लगौने सब आरोप गलत रहल बतौलन। ओ माथेमा निक्षेपकर्ता से पाई असूल क अपने राखने सेहो आरोप लगौलन। कला संस्था के उल्टे पैसा खा कर सब पैसा सब अपने असूल को अपने पैकेट में रख कर अपने लगाने का अपने सब रख लेने आ जते ग्राहक सबके खाता खोलने से सब टोटल के में भेजा कर उनका सबके पैसा पूरा पेड भेल है आ सब ये रिकॉर्ड है कते फॉरवर्ड वाला पासबुक सब हो ये पूरे है। ताहिके बाद में हम सब रही सबके खबर कहने कि जते बचत करता है विनोद के टोटल अब टोटल के पैसा हम सब पेड करबे ओहू में बहरे से बहरे विनोद सब घेर घेर का सब अथी कह दिल्कि मात्र किनका मैंने कहा कतौ में डुप्लीकेट पासबुक है। माथेमा नकली कागज काज कैने आ 99 लाख से बेसी रुपया हिना मिना कैने सेहो खातून के आरोप है। अपने पैसा सब उठेने है अपन पैसा उठा कर अपने पैकेट में रख लेके अब सब प्रूफ इस संस्था में है पासबुक नकली पासबुक नकली ओकर जते काम कैने टोटल रिकॉर्ड है ये जे संस्था पर जे अथी लगा रहल है गलत आरोप लगा रहा है। अगर उनका साथ प्रूफ है तो प्रूफ पेश करो ऐसे संस्थों से हम सब प्रूफ पेश कर देंगे। संस्था पर 99,66,538 रुपया ओकरा पहिना बिना कने जनकपुर धाम स्थित ई सहकारी के दुनू पक्ष एक दोसर ऊपर आरोप लगबत आयल छे। दुनू पक्ष अपन अपन हिसाब देव तैयार रहल सेहो बताबि रहल छे मुदा समस्या समाधान में वित्तीय संस्था सबक सरकार वाला निकाय मध्यस्थता नहीं कह देला से ई संस्था में संकट बढ़ल छे। दहेज संबंधी कसूर में 73 जिला अदालत राम गोपालपुर नगरपालिका और 5 के डॉक्टर पंकज चौधरी के पूर्वपक्ष के लिए थाना में पठावा आदेश दिलक है। ओकर पत्नी औढ़ी वड़ा नंबर 1 के 21 वर्षक नेहा चौधरी दायर केने दहेज संबंधी कसूर मुद्दा में शुक्र दिन भेल बहस में जिला अदालत 73 के न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा के एकल इजलास ओकरा थाना में पठावा आदेश दिलक है। बीतल वर्ष के फागुन 25 गते नेहा आ पंकज बीच सामाजिक परंपरा अनुसार विवाह भेल छल। एकर 7 महीना बाद नेहा बीतल कार्तिक 25 में फेसबुक मार्फत दहेज के नाम में श्रीमान आ परिवार और सदस्य अपना ऊपर हिंसा कर रहल बतौने छल। पंकज अपना घर में छोड़ने आ काठमांडू में संगे राख अनुरोध कला पर दहेज में घर मांगत हिंसा कने कहत नेहा जिला प्रहरी कार्यालय 73 में निवेदन देने छल। नेहा के दिस वकालत कर रहल वकील रिंकू यादव के अनुसार नेहा श्रीमान पंकज आ परिवार के सदस्य बीच बकस पत्र बदर जालसाजी घरेलू हिंसा दहेज माना चाउर आ अंश मुद्दा देने अछि। हुनक श्रीमान पंकज संबंध विच्छेद के मुद्दा दायर केने अछि। एम्हर 73 जलेश्वर के निहारिका सिंह राजपूत मुद्दा में DNA जांच कने विज्ञ के बजेबाक आदेश देल गेल छे। उच्च अदालत जनकपुर के न्यायाधीश विष्णु प्रसाद कोयराला आ सागर बिष्ट के संयुक्त इजलास ई आदेश देलक अछि। राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार निहारिका के बच्चा आ आरोपित महेंद्र नगर के शिवरा श्रेष्ठ संग बीतल कार्तिक 18 गते 99.9% DNA मिलल रिपोर्ट अदालत में प्राप्त भेल छल। अदालत बीतल साउन 8 गते DNA जांच करबाक लेल आदेश देने छल। अदालत में एहि संबंध में जाहिरीवाला के दिस वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता पोखरेल अधिवक्ता शांति रिजाल रिंकू कुमारी यादव आ सह न्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्मा बहस कने छल। प्रतिवादी के दिस से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम मिश्र बहस कने छल। अगला माह 10 गते विज्ञ के अदालत में बजाक बकपत्र हेबाक जाहिरी वाला के वकील रिंकू कुमारी यादव जानकारी दिलन अछि। हुनक अनुसार विज्ञ के बकपत्र बाद दोसर पेशी तोकल जायत इहे अंतिम पेशी में फैसला हेबाक संभावना सेहो रहल अछि। निहारिका के जिला अदालत धनुषा में करनी संबंधी मुद्दा दर्ता भेल छल।
अदालत 2078 माघ 24 गते करनी नहीं भेल फैसला सुनौने छल। जिला अदालत के फैसला से चित नहीं बुझल कहत निहारी का 2078 फागुन में उच्च अदालत जनकपुर में पुनरावेदन कने छल। उच्च अदालत तोकल गेल पेशी सुनवाई नहीं कने आ प्रतिवादी संग अदालत मिलल कहत ओ काठमांडू में दोसर बेर आमरण अनशन कने छल। वही क्रम में निहारिका राष्ट्रपति भवन आगा आत्मदाह के प्रयास समेत कने छल। सर्वोच्च अदालत उप प्रधान तथा गृहमंत्री रवि लामेछाने विरुद्ध अंतरिम आदेश देव अस्वीकार कलक। नागरिकता के विवाद के देखा कर हुनका काज नहीं कर देवा कहत अंतरिम आदेश जारी कर पड़ल। रीट ऊपर शुक्र दिन संवैधानिक अदालत में कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश सब ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनंद मोहन भट्टराय, अनिल कुमार सिन्हा आ प्रकाश मान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलास सुनवाई करत अंतरिम आदेश नहीं करवाक निर्णय कलक। मुदा रीट के अग्राधिकार दक लामी छाने के प्रतिसभा सदस्य में निर्वाचित सांसद होब योग्यता रहल नहीं रहल विवाद में 11 माघ 2079 के पूर्ण सुनवाई के लिए पेश कर आदेश देने सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता विमल पौड़ेल जानकारी दिलन। प्रतिनिधिसभा का माननीय सदस्य तथा उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेका दुईवटे रिट को आज अंतरिम आदेश संबंधी छलफल सुनवाई सकिएको छ र सुनवाई पश्चात अंतरिम आदेश होने वा नहुने संबंध में संवैधानिक इजलासबाट आदेश पनि प्राप्त भइसकेको स्थिति छ। अब यो आदेश में तत्काल अहिले अंतरिम आदेश जारी भएको स्थिति छैन र यो आदेश अनुसार अब यो मुद्दालाई 2079 साल माघ 11 गते बुधवार का दिन अग्राधिकार दिए सुनवाई को पूर्ण सुनवाई को पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको छ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति सेहो रहल लामिछाने चितवन 2 से निर्वाचित भेल अछि। अमेरिकी ग्रीन कार्ड त्याग केला बाद लामिछाने नेपाली नागरिकता फेर से कायम करबाक प्रक्रिया शुरू नहीं केला पर लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोग में निवेदन पड़ल छल। मुदा पूर्ण सुनवाई के लिए 11 माह के पेशी तोकल गेल अछि। इस सुनवाई कोनो पक्षक अनुरोध में नहीं रुकबाक संवैधानिक इजलास स्पष्ट कलक अछि। तहिना रवि के उम्मीदवार के विषय में निर्वाचन आयोग के निर्णय के सकल रवि लामेछाने के विभाग में पेश कने कागजात आ वही में भेल कार्रवाई 7 दिन भीतर पेश कर सेहो विपक्ष के आदेश दिल गेल। प्रवक्ता पौड़ेल जानकारी दिलन अछि। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल सरकार संसद में विश्वासक मत प्राप्त कला संगे मंत्री परिषद पूर्णता पैबाक जानकारी दिलन अछि। शुक्र दिन परिषद कने निर्णय सार्वजनिक करत उप प्रधान तथा अर्थमंत्री पौड़ेल सरकार संसद में विश्वास के मत प्राप्त कला संगे मंत्री परिषद पूर्णता पैबाक बतौलन। ओ वर्तमान सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभिभारा पूरा कर केन्द्रित भ रहा से बतौलन। ओ विश्वास के मत लक मंत्री परिषद के पूर्णता देवाक तैयारी में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल लागल सेहो जानकारी दिलन। अभिभार में केन्द्रित सरकार गठन भएको छ र यसलाई पूर्णता दिने सरकारलाई पूर्णता दिने त्यो प्रक्रिया में सम्मान्य प्रधानजी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आगामी पुष 26 गते सरकारले संसद समक्ष संसदबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। ओ मंत्री परिषद पूर्णता पौला संगे सरकार जनता आ राष्ट्र के समस्या के समाधान करबाक लेल गतिशील रूप में आगा बढ़बाक बतौलने अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बहुत विश्लेषण कक मात्रे सरकार के विश्वासक मत देवाक विषय में निर्णय लेल जेबाक अवस्था रहल बतौलन अछि। सरकार कोन तरीका से आगा बढ़त वही के देख के मात्रे विश्वासक मत देवाक विषय में निर्णय लेब सकबाक अध्यक्ष नेपालक कहब छल। शुक्र दिन सर्वदलीय बैसार बाद नया बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब राखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में वो व्यक्तिगत रूप में अपना प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रति सकारात्मक रहल धारणा सेहो रखलन। जुन गाँव जानू छैन किन जब कम आंदोलनलाई एकीकृत करने सुदृढ़ करने अभियान में तो अगाडि बढिन्छ नि। अब इसमें जो जो इच्छुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी विश्वास को मत को बारे में हमी जम्मी पक्ष विश्लेषण करने व्यक्तिगत रूप में प्रचंडजी प्रति मेरे पॉजिटिव नहीं धारणा जहाँ में सरकार कुन ढंग ने अगड़ी बढ़् तो हेरिकन हमी टुंगो।
अध्यक्ष नेपाल एमाले संग एकता करबाक विषय में ठोस प्रस्ताव नहीं आयल से स्पष्ट कलन ओ इच्छुक पार्टी संग मात्र अपन पार्टी मिलकर आगा बढ़वाक नीति लेने से बतौलन। एम्हर अध्यक्ष नेपाल उपेंद्र यादव नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी संग एकता के लिए तत्काल वार्ता प्रक्रिया शुरू करबाक से बतौने छे। नेकपा माओवादी केन्द्र के प्रमुख सचेतक हितराज पांडे अपना सब राजनीतिक दल सब के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहाल नेतृत्व के सरकार के विश्वासक मत देव आग्रह केने बतौलन। शुक्र दिन बैसल सर्वदलीय बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बात करते ओ एना बतौलन। ओ विश्वासक मत देवक में अपना सब विश्वस्त रहल बतौलन। ओ सब पार्टी संग परामर्श जारी रहल आ सब पार्टी सब सकारात्मक रहला से विश्वासक मत पैबा में विश्वस्त रहल समेत बतौलन। आग्रह गरेका छौँ त्यसमा हामी विश्वस्त र दृढ पनि छौँ। अब हामीले त वृद्धि गराउनको लागि भनेर निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो विश्वासको मत अझ वृद्धि होला सम्भावना। हामी निरन्तर हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट र हामी निर्वाचित मान्यहरूको तर्फबाट पनि हामीले सम्पर्क समन्वय अनुरोध गरि नै रहेका छौँ। तैना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान आधिकारिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनके काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री बन आग्रह नै केने बतौलन। ओ विभिन्न स्तर सबसँग प्रधानमन्त्री बनले प्रस्ताव अयलोपर पार्टीसँग आधिकारिक रूपमा नै आयल स्पष्ट कलन। अधिवेशन प्रथम अधिवेशनको बारे कार्यसूचीलाई जुन पेस गरिएको थियो त्यसबारे छलफल भएर सूची बमोजिम सबै कुराहरू केही छलफल भए केही चाहिँ समय निर्धारणका कुराहरू थिए ती कुराहरू चाहिँ सहमत भएको छ। 25 गते 1 बजे बोलाइएको जुन प्रथम अधिवेशनको क्रममा समयहरू र व्यक्तिहरू कतिजनाले बोल्न दिन सक्ने कुराहरू पनि तय भएका छन् भने 26 गते को दिनमा जुन चाहिँ विश्वासको मत लिने दिन तोकिएको छ त्यसमा समयावधि केही लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई 11 बजे बोलाइएको छ। तैना जनता समाजवादी पार्टीके सांसद प्रदीप यादव प्रतिपक्षी दलक सभापति शेरबहादुर देवाके भेटैतमे शंका नै कयल जेबाक बतौलन। ओ जसपा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वके सरकारके विश्वासक मत देवामे विश्वस्त रह आग्रह कलन। शंका गर्नु पर्दैन, अरू कुनै विषयमा पनि भेटघाट हुनसक्छ। अब भेटेन गर्नु यो त कुनै तोके होइन, त्यसैले भेटघाट हुने बित्तिकैमा सर्वराज देउबाको पक्षमा गएको पक्कै होइन। हामीले हाम्रो पार्टीले अब प्रचण्डजीलाई अब लिखित रूपमा राष्ट्रपति महोदया कहाँ गएर सिग्नेचर गरिसकेको छ कि मत दिने भने हामी प्रचण्डजीलाई मत दिन्छौँ। यो समय यस्तो छ कि आशंका यत्तिकै भयो, शङ्का नगर्नुहोस्। हामी चाहिँ सरकारको पक्षमा छौँ। तैना लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीके अध्यक्ष महन्त ठाकुर सरकारमा सहभागी कोनो पार्टी अपनाके विश्वासक मत देव आग्रह नै केने बतौलन। धेरै नयाँ मान्य सदस्यहरू हुनुभएको छ त्यसै कारण कार्यविधि सम्बन्धी जानकारी गराइयो। अब मलाई यो विषयमा केही भन्नु छैन अहिले, किनकि तपाईँकै मुखबाट सुनिरहेछु वास्तविकमा कुरा हो कि होइन, काङ्ग्रेसबाट केही जानकारी आएको छैन मलाई। अध्यक्ष ठाकुर विश्वासक मत अखनके सरकारके देबाक वा नै देबाक विषयमे कोनो निर्णय पार्टीमे नै भ सकल सो स्पष्ट केने छलथि। न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदल न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार भेल जनौलकै छ। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा बैसल सरकारक न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलके बैसार सरकारक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार भेल जनौलकै छ। बैसार बाद संचारकर्मी सँग बातचित करैत कार्यदलक सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीके प्रवक्ता मुकुल ढकाल आजुक बैसार अपन प्रतिवेदनके पूर्णता देने बतौलन अछि। ओ शनि दिन शीर्ष नेता सभक संयन्त्रमे सरकारक न्यूनतम साझा कार्यक्रम सब प्रस्तुत करबाक सेहो बतौलन। ओ न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनताके डिलिवरीके पक्षमे रहल आ परिवर्तनक आभास करबैत न्यूनतम साझा कार्यक्रम आयल दावी कलन। उच्च स्तरीय संयन्त्रले बनाएको यो एउटा कार्यदल हो र यो कार्यदलले
आफ्नो प्रतिवेदन बनाएको छ र भोलि उच्चस्तरीय संयन्त्र शीर्षस्थ अधिकारीको संयन्त्रमा यसले आफ्नो कार्यदलले बनाएको यो प्रतिवेदन पेश गर्दैछ। जनताका पक्षमा डेलिभरीका पक्षमा जनताले परिवर्तनको आभास हुने गरी परिवर्तनको आभास गर्ने गरी कुराहरू समेटिएका छन्। पुस 14 गते बैसल सत्ता साझेदार दल सभाक बैसाड न्यूनतम साझा कार्यक्रम आन प्रधानमन्त्री दल सभाक बैसाड न्यूनतम साझा कार्यक्रम आन उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन कयने छ। अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्र स वर्षमान पुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स मुकुल ढकाल आ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स धवल शमशेर राणा आ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल स रकम चेमजम रहल छ। नेपाली काङ्ग्रेसक प्रमुख सचेतक रमेश लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाके अपन पार्टी प्रधानमन्त्रीको लेल प्रस्ताव नै केने स्पष्ट कयलनि अछि। शुक्र दिन नयाँ मानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमे संचारकर्मी सब राख्ने जिज्ञासाके जवाब देबा क्रममे प्रमुख सचेतक लेखक प्रधानमन्त्रीमे रापरपाके अपन पार्टी प्रस्ताव नै केने स्पष्ट कयलनि। ओ अपन पार्टी एमाले माओवादी केन्द्र सहितक सत्ता समीकरणके तोडिकऽ नयाँ समीकरण बनेबाक काममे नै लागल सियो बेर बेर दोहोरौलनि। ओ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालके विश्वासक मत देबाक विषयमे अहि पुस 26 गते भिनसर बैसबाक पार्टी संसदीय दलक बैठक निर्णय करबाक जानकारी समेत देलनि। अपना सब अखन पार्टी संसदीय दलक शनि दिन भिनसर बजाओल गेल बैठकके गृह कार्यमे जुटल हुनक कहब अछि। अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि नियमावली अनुमोदन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसरी नै सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको चयन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ। पार्टीका सबै नेताहरूले 25 गतेको दिनमा 1 बजे बैठक प्रारम्भ हुन्छ र सबै पार्टीका नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ, किनभने पहिलो दिन हो यो प्रतिनिधि सभाको जो कार्यकाल प्रारम्भ हुने दिन भए हुनाले 25 गते सबै नेताहरूले शुभकामना दिनुहुन्छ। 26 गते 11 बजेदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही पुस 26 गते भिनसर 11 बजे बजाओल गेल प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासक मत लेबाक कार्यक्रम रहल छ। अर्थ सचिव तोयम राय आ राजस्व सचिव डाक्टर राम प्रसाद घिमरे अर्थ मंत्रालय के कार्यभार सम्हालने अछि। उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित अर्थ मंत्रालय में नया सचिव राय आ घिमरे के एक कार्यक्रम के बीच स्वागत कयलनि अछि। संगे मंत्री पौडेल एहिसँ पहिने मंत्रालय के सम्हारने सचिव द्वय कृष्ण हरि पुष्कर आ राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल के सेहो विदाई कयलनि अछि। बृहस्पति दिन बैसल मंत्री परिषद के बैठक अर्थ मंत्रालय में नया जिम्मेवारी सहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव राय के अर्थ सचिव आ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के सचिव घिमरे के राजस्व सचिव में सरुआ कयने छल। सरकार अर्थ सचिव पुष्कर के प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में आ राजस्व सचिव दंगाल के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के सचिव में सरुआ कयने अछि। परराष्ट्रविद मधु रमन आचार्य आर्थिक कूटनीति के लेल दक्ष राजदूत के नियुक्ति में ध्यान देबा सरकार के सुझाव देलनि अछि। पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहल ओ देशक आर्थिक कूटनीति के आगा बढ़ावा सरकार द्वारा दक्ष राजदूत नियुक्ति में ध्यान देल जेबाक बतौलनि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार में परराष्ट्रविद आचार्य आर्थिक आ कूटनीतिक दुनू मालूम नहि भेल के सरकार राजदूत बनाक पठौला से देशक आर्थिक कूटनीतिक फलदायी होब नहि सकल सेहो बतौलनि। ओ आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयन के लेल नीतिगत रूप में स्पष्ट धारणा तय कर सरकारक ध्यानाकर्षण करौलन। देश में लगानी आनबाक लेल लगानी बोर्ड काजे कर नहि सकल सेहो परराष्ट्रविद आचार्य के कहब अछि। सँगसँगै अहिले सरकारले बनाउने सेनाले बनाउने ठिकै छ, आफूले बनाउने कुरा आखिर त्यहाँ पनि फेरि ठेकदार त चाइनिज ठेकदारहरू नै इन्भल्भ छ। पुल जति एउटाले, सुरुङ जति एउटाले, हजुरको बाटो जति अर्कोले बनाउने भनेर फेरि त्यहाँ पनि चाइनिजै ठेकदार आउँछ भने त्यो यस्तो चिज लगानीको सुनिश्चित गर्ने बुढी गण्डकी अब मन्त्रीले सही गरेर चाहिँ एउटा गेज भन्ने कम्पनीलाई दिनुभयो, दिनुहुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यसको चाहिँ अब ऐनले लगानीको ऐनले हेर्ने हो भने त फेरि
त्यो लगानी बोर्डको म्यान्डेटमा पर्छ, 500 मेगावटभन्दा माथि 10 करोड 10 अरबभन्दा माथिको त त्यहाँ पर्छ नि। परराष्ट्रविद आचार्य आर्थिक कूटनीतिके लिएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गराव सो आवश्यक रहल बतौलन। वैशाखमे विमला राय पौडेल लगायतके सांसद सब आर्थिक कूटनीतिके आगा बढाव अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवके विषयमे परराष्ट्रविद आचार्यसँग जिज्ञासा राख्ने छलैथ। सरकार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमे भन्सार कार्यालय स्थापना कर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कर स्वीकृति देने अछि। बृहस्पति दिन बैसल मंत्री परिषद के बैठक कयने निर्णय सार्वजनिक करैत शुक्र दिन सरकार के प्रवक्ता तथा उप प्रधान तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल आयोजना के प्रभावकारी व्यवस्थापन आ आर्थिक लाभ के सुनिश्चित के लेल विमानस्थल में भन्सार कार्यालय स्थापना कर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कर स्वीकृति देवाक निर्णय भेल जानकारी देलन। ओ सरकार राष्ट्रीय सभा सदस्य उपनिर्वाचन माघ 25 गते करवाक निर्णय कयने सेहो जानकारी देलन अछि। ओ प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन क्रम में मृत्यु भेल बाजुड़ा के संजीव ऐरी आ चेतन ऐरी के परिवार के आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाक निर्णय कयने सेहो बतौलन। ओ कम्बोडिया में निधन भेल निराकार पांडे के शव नेपाल आन आर्थिक सहयोग करवाक निर्णय समेत कयने बतौलन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल में भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्येको एक हो र यो यदि कोभिडको प्रभावको समयलाई कटौती गर्ने हो भने तुलनात्मक दृष्टिकोणले समयमै सम्पन्न भएको आयोजनाको रूपमा रहेको छ र यो आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र यसबाट मुलुकले यथेष्ट मात्रामा लाभान्वित हुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने। सरकार अर्थ सचिवमे तोयमा राय आ राजस्व सचिवमे राम प्रसाद घिमरेके जिम्मेवारी देवाक निर्णय समेत कयने छल। पुष शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाओल जाय वाला चांगू नारायण यात्रा काठमांडू में मनाओल गेल अछि। शुक्ल दिन पुष शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाओल जाय वाला चांगू नारायण यात्रा माटि के भाड़ा फुटा वाला यात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मनाओल गेल अछि। चांगू नारायण यात्रा के दर्शन कर उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन समेत हनुमान ढोका पहुँचल छलथि। ओ हनुमान ढोका स्थित तलेजु भवानी के दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण समेत कयने छलथि। ओहि अवसर में तारिणी मखन क्लब के अध्यक्ष राजन भट्ट महर्जन लिच्छवी काल से शुरू भेल यात्रा लोप होत गेला से अ के संरक्षण के लिए मेला आयोजन कैल गेल बतौलन। अलग पशी आर स्टील को मा खाओ अच्छी सिलाबर को मा खाओ अ प्लास्टिक को खाँच रही पानी न भर कागज में खाकर जस्ते कर जसरी हम बिल्ला को काँस पटन भैस ये हम माटो को भाड़ाखुरा को यात्रा पटन होना लगा होना र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो यात्रा हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो परम्परा जबसम्म रहन्छ तबसम्म यो नेपाल देश रहन्छ र हामी रहन्छौँ भन्ने मेरो मान्यता र मलाई विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो चाङ्गो नारायणको यो यात्रा तथा माटोको भाँडाकुँडा यात्रा चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ चलाइआएको। मेलाके अवसरमा उपराष्ट्रपति पुन देवी कुमारीके सेहो पूजा कयने छलथि। अबंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लगातार के ठंडी आ शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, सप्तरी में कठुआ का एक गोटे की मृत्यु। मधेश प्रदेश प्रमुख से सरकारक गठनक लेल आह्वान, दू आ दू से बेसी दलक सहमति में बहुमत फोगा का दावी प्रस्तुत कर कहल गेल। मधेश में जसपा आ लोसपा के संसदीय दलक नेता चयन में विलंब, सहमति जुटेबाक प्रयास जारी। नेहा चौधरी के श्रीमान डॉक्टर पंकज चौधरी के पूर्वपक्ष के लिए थाना में भेजा महोत्तरी अदालत के आदेश। आ गृह मंत्री लामे छाने विरोध अंतरिम आदेश देव सर्वोच्च द्वारा अस्वीकार। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।